close till I get up. Time is barely on our side. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and I am also doing great. So guys, आज है नया दिन एंड एक नए दिन की शुरुआत. So आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना संडे कैसे स्पेंड करती हूँ घर पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन विद अ ग्रेट पॉजिटिव वाइब्स. तो अब हम करेंगे सबसे पहले वर्कआउट, और वर्कआउट के लिए मुझे सबसे पहले अपना बैकग्राउंड क्लीन करना पड़ेगा. सो लेट मी जस्ट क्लीन द मेस. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है. अब हम करेंगे वर्कआउट स्टार्ट. उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं कि मैंने इसके पीछे कुछ छुपाया है. इधर इसके पीछे मैंने छुपाई है हिमाचल एप्पल्स की दो बॉक्सेस. वो मैंने इसलिए नहीं फेंके क्योंकि मेरा मन नहीं करता उनको फेंकने का. एक तो ये कि जब मैं शिफ्ट करूंगी तो उसमें मैं अपना सामान डाल सकती हूँ. दूसरा ये कि वो मेरे घर से आई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई इंसान है, और वो मेरे घर से आए हैं तो वो मेरे मतलब फैमिली मेम्बर्स ही हैं एक तरह से समझ लो. तो इसलिए मेरा मन ही नहीं करता उनको फेंकने का. तो मेरे घर से जितनी भी हर सीजन में पेटी आती है तो वो रहती है मेरे पास. तो ये दो यहाँ पे है, एक आधी बेड के नीचे होगी, तो मतलब वो सारी है मेरे पास अभी तक. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And so look at the sweat on my face. This looks so amazing after you completed your workout. उसके बाद ऐसा लगता है कि this is so amazing feeling. You know, workout start करना is like very tough. बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. जब शुरू में हम लोग खुद को motivate करते हैं कि हाँ workout करना है, खुद को fit रखना है, ये सब सोचना बहुत easy होता है. But initiative लेना उतना ही मुश्किल होता है. I don't know मैंने कितनी बार workout start किया, फिर बीच में skip कर देती थी, फिर से start किया, फिर skip किया. But हमेशा ये mind में रहता था कि नहीं, I have to be fit, I have to मेंटेन अ हेल्दी बॉडी. सो वो सब चीज़ें अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ. तो पहले शुरू में कुछ दिन तो मतलब लिटरली बहुत पेन रहता है लेग्स में, आर्म्स में, एब्स में, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है. बट अभी तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि वाओ दिस इज सच अमेजिंग फीलिंग. और उसके बाद जो दिन पूरा इतना मतलब फ्रेश फीलिंग के साथ निकलता है, तो या सो दिस इज वॉट नाउ. अब जो नेक्स्ट स्टेप रहता है मेरे डे का, वो होता है कि मैं सुबह सुबह ना डांस प्रैक्टिस जरूर करती हूँ. तो सुबह सुबह मतलब मेरे को ये लगता है कि जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे कुछ डांस चाहिए, लाइक ऐसा कुछ जो मेरे को एनर्जाइज करे. तो मैं क्या करती हूँ, पार्टी म्यूजिक चलाती हूँ और थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ. बट उससे पहले मुझे करनी है फेशियल एक्सरसाइजेस, क्योंकि फेशियल मसाज एंड फेशियल एक्सरसाइजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स हमारे फेस पे फेस पैट हो जाता है, डबल चिन आ जाता है, तो उसको कैसे रिकवर करना है, और साथ में जैसे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो उनको भी करने के लिए हम लोग फेशियल एक्सरसाइज करेंगे. तो फेशियल होगा मैंने अभी किया, ये होता है एक्यूप्रेशर. एक्यूप्रेशर से क्या होता है, हम फेस की मसल्स को बहुत ऐसे बहुत से टाइट कर लेते हैं अपने फेस को. उससे क्या होता है कि मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, और जब हम उस प्रेशर को 10 सेकेंड्स के बाद रिलीज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड स्ट्रैश फील होता है. तो इससे फेस जो फैट होता है वो रिमूव होता है. One eternity later. सो मैंने वर्कआउट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद से कुछ खाया नहीं, और अब इतना वीक फील हो रहा है ना खुद को. तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए सैंडविचेस. तो चलिए लेट्स गो. सैंडविचेस बनाने के लिए हमारा सेटअप है. मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज सब कुछ निकाल लिया, और ब्रेड्स मेरे पास जो पड़े थे वो, और साथ में यहाँ पे बना पड़ रहा है मेरा टोस्टर. तो टोस्टर को कर लेते हैं ओपन. तो मैंने सैंडविचेस दो मैंने ब्रेड रेडी करके इसमें मैंने फिल कर दिया है सब कुछ.
और अब मैं करूँगी इसको बंद और बंद। यार बीप साउंड आ गई है, अब मैं इसे करूँगी ओपन। और ये रहे हमारे सैंडविचेस रेडी, तो अब मुझे इनको बाहर निकालना है और मैं इसे निकाल तो लूँगी, चिमटे से रखूँगी कहाँ, इधर ही रख देती हूँ अभी के लिए। तो सैंडविचेस बन के बिल्कुल रेडी हैं और मैंने लगता है बहुत सारे ही बना दिए हैं, तो मैं इधर उधर भी दे दूँगी अपने फ्रेंड्स वगैरह को। और फिलहाल मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग गई है यार। तो कल पीजी ओनर सीलिंग फैन लेकर गए हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, चल नहीं रहा था, तो मैंने अभी इसके जो तीन वो पंखे होते हैं ना वो मैंने धो दिए और ये मैंने यहाँ रखे हैं धो के, तो ये इतने साफ लग रहे हैं ना, आज से पहले इतने साफ ही कभी भी नहीं लगते थे। तो उसके बाद अब मैंने ये छोटा वाला फ़ैन, इतने दिनों से मैं इसी के सहारे रह रही थी, तो अब मैंने आज ये भी धो दिया, बहुत गंदा हो रखा था, मैंने ना मतलब पूरा नहला दिया है इसको, इससे पीछे जो मोटर है सब कुछ धुल गया होगा, बटन में पानी चला गया होगा, तो पता नहीं वो ऐसा करते हैं या नहीं, बट मैंने कर दिया है। और मैंने गूगल पे भी सर्च नहीं किया ये करने से पहले, बट मेरे को लग रहा था कि चलो गट फीलिंग आ रही थी कि कुछ नहीं होगा, तो मैंने धो दिया। ओह गॉड, मतलब अभी शाम के 9 बज चुके हैं और पता नहीं चला टाइम का कैसे कैसे हो गया। मैं ना लिटरली मतलब व्लॉग एडिट करने लगी थी और व्लॉग एडिट करते करते ना 9 बज गए, और मैंने ना मतलब बहुत ही बढ़िया व्लॉग एडिट किया है इस बार। और मेरा जो व्लॉग है आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, वो व्लॉग है निठारी कांड के बारे में, जिस पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा, रियल स्टोरी पे बेस्ड है, रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, सो या प्लीज़ देख लीजिएगा। ये फ़ैन देखो आप, इतना वाइट, इतना सुंदर ये लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि नया नया फ़ैन अभी लेके आई हूँ। और अगर आप इसे पहले आप देखते ना इसको, लिटरली उसमें कहीं पे भी वाइट एरिया नहीं बचा था, सब जगह से ब्लैक ब्लैक हो गया था पूरा। अब लेकिन मैंने इसको जोड़ तो दिया है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि ये ना यहाँ से करंट पास कर रहा है, क्योंकि मैंने ना पूरा धो दिया था, तो मोटर वगैरह में सब में पानी चला गया है, तो मैंने इसको ना यहाँ से अभी ऑफ ही रखा है, जोड़ा नहीं हुआ, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी ये करंट पास करना शुरू कर देगा। और अब मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है बनाने का, लेकिन और बनाना भी आज मैंने गोभी और आलू है और उसके साथ चपाती बनानी पड़ेगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बनाना, लेकिन चलो करते हैं कोशिश, साथ साथ में मिलके हो जाएगा। फिर खाना खाने के बाद मेरे को ये कपड़े तय लगाने हैं जो कि मैंने धोए थे, और उसके बाद मेरे पास एक और काम है, वो है मेरे को अपनी अलमीरा सेट करनी है। अलमीरा में कुछ भी कपड़े कहीं पर भी पड़े हुए हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, और इसमें बहुत सारे मतलब छोटे छोटे कॉकरोचेस हो गए हैं, उसके लिए मुझे रेड वाला हिट स्प्रे करना है। तो चलो फिलहाल खाना बनाते हैं, उसके बाद ये करेंगे फिर। कैसा है मेरा बच्चा चुंदरू मुंदरू, माची को भूल गए आप? कुहू One eternity later. Close till I get up. Time is barely on our side. ये रहा मेरा खाना, आज का डिनर। डिनर में जैसा कि मैंने बताया था, आलू एंड गोभी और चपाती, और साथ में थोड़े से खीरे, और साथ में बनाया है रायता, नहीं बनाया बस ऐसे ही दही है। और लिटरली ऐसा लग रहा है कि अभी तो जस्ट वीकेंड को एंजॉय करना शुरू किया था और अब फिर से मंडे आ गया। मंडे सच अ बैड डे, मतलब बोरिंग, मतलब सुनने में मंडे कितना गंदा लगता है यार। हाँ वैसे कुछ काम टालना होना तो मंडे बहुत अच्छा लगता है, बट वैसे मंडे अच्छा नहीं लगता ना, आई मीन इट्स नॉट अ गुड डे। ट्यूसडे से स्टार्ट करना चाहिए, मैं तो हमेशा ऐसी करती हूँ, जब भी कोई चीज़ नई स्टार्ट करनी हो ना तो ट्यूसडे स्टार्ट करो, ऑल दो वो मतलब ग्रैंड ऑल के हिसाब से भी सही होता है। सो गाइस, अभी भी मैंने एक पहाड़ी नाटी पे वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो इंस्टाग्राम रील है, तो आप लोग जरूर मेरे अकाउंट पे जाके वो इंस्टाग्राम रील देखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है कुसुम हिमराल,
और मुझे फॉलो भी कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी आगे भी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही है क्योंकि मुझे ये रील शूट करने का बहुत मन था काफी टाइम से, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। और अभी तो बस 1 बजने वाला है और नाउ आई हैव टू स्लीप क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड हैव फन।